हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर नंबर 10 में हमने आपको बताया था हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, इंट्रोडक्शन हमने दिया था आपको और पहला और दूसरा क्वेश्चन आर्यश अग्रवाल का सॉल्व कराया था। और तो इस लेक्चर में आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 से बताना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल इस 30 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। कोई ऑब्जर्वर है, मतलब देख रहा है किसी चिमनी को जो 30 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी। मतलब ये कह रहा है कि कोई चिमनी है, मान लेते हैं ये चिमनी है हमारी, ठीक, और 30 मीटर दूर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, यानी जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट कितना है 1.5 मीटर दिया गया है, और ये ऑब्जर्वर है, यानी ये जो ऑब्जर्वर है ये जो है 30 मीटर अवे है चिमनी से। ये हमारा चिमनी है, चिमनी से कितना दूर है ऑब्जर्वर, 30 मीटर, ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर। आगे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब यहाँ से अगर देखेगा, यहाँ से ऑब्जर्वर इतना लंबा तो आँख यहाँ होगा, तो ये हमारा हॉरिजेंटल होगा। तो यहाँ से हॉरिजेंटल से जो चिमनी पे वो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो हमें, हमसे कह रहा है अगर 60 डिग्री बना रहा है तो हमसे कह रहा है कि चिमनी की हाइट निकालिए, क्या करना है चिमनी की हाइट निकालिए। तो हम ये मान लेते हैं कि ये भी चिमनी है, सी डी ऑब्जर्वर है, यहाँ पे पॉइंट ई मान लेते हैं, ठीक। तो लिख लेंगे लेट हाइट ऑफ चिमनी बी एच, मान लेते हैं चिमनी की हाइट जो है वो एच है, तो यानी ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब देखिए बी सी अगर 30 मीटर का है तो क्या डी ई भी 30 मीटर का होगा, यानी ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, क्योंकि अगर दोनों खड़ा है, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये बी डी और बी सी का डिस्टेंस क्या होगा इक्वल होगा, यानी ये भी 30, ये भी 30। अब देखिए डी सी 1.5 मीटर है तो क्या ये बी ई के बराबर होगा, यानी बी ई भी कितना होगा 1.5 मीटर होगा। आई बात समझ में। अब हम ए ई निकाल लेते हैं, तो देखिए ए ई अगर निकालें तो ए ई क्या होगा, टोटल एच है, एच में से कितना सेपरेट कर दें 1.5, टोटल ये एच है ना, इसमें से 1.5 सेपरेट कर दें तो ए ई की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हमें ए ई निकालना है और डी ई पता है, तो इसमें और इसमें ये निकालना है, ये पता है, तो किसका रिलेशन होगा 10 का, यानी कि हम यूज़ करेंगे 1060 डिग्री, तो 1060 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा ए ई अपॉन टी। 1060 की वैल्यू रूट 3, ए ई की वैल्यू देखिए एच माइनस 1.5, और डी ई की वैल्यू कितना है 30, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 अंडर 3 इक्वल टू एच माइनस 1.5, तो एच इज इक्वल टू इसको इधर भेज देंगे तो 30 अंडर 3 प्लस 1.5, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं अंडर 3 की, तो क्या होगा 1.732 प्लस 1.5, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो आएगा हमारा 51.96 प्लस 1.5, ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 53.46, ठीक। तो ये इस तरह से लग जाएगा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कम्प्लीमेंट्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 5 मीटर के डिस्टेंस से और 20 मीटर पे बेस पे, सेम स्ट्रेट लाइन विच आर इन कम्प्लीमेंट्री। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, मान लेते हैं ये टावर है, ठीक। तो कह रहा है फ्रॉम टू पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, जो हमारा बेस है टावर का, ये मान लेते हैं हमारा बेस है टावर का, ठीक। तो कह रहा है एक तरफ 5 मीटर यानी यहाँ से बेस से इसके इधर मान लेते हैं 5 मीटर, और एक तरफ 20 मीटर यानी इधर से इधर कितना 20 मीटर। तो क्या कह रहा है
इन द सेम स्ट्रेट लाइन विच आर कम्प्लीमेंट्री, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा इसका, और इसका भी ऐसे बनेगा। तो अगर दोनों क्या है कम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक थीटा है मान लेते हैं, तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, सम ऑफ एंगल 90 डिग्री, यानी एक कम्प्लीमेंट्री है तो एक थीटा होगा, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। ये मान लेते हैं ए बी है, ये सी है, ये डी है, यानी बी सी की वैल्यू 5 है, 5 मीटर, बी डी की वैल्यू कितना है 20 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाइट बताइए टावर की, टावर हमारा ए बी है, तो मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू एच। ठीक, अब देखिए इसमें और इसमें किसका रिलेशन होगा, उस रिलेशन को निकालते हैं, यानी हम कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें और इसमें किसका रिलेशन होगा, तो आप जानेंगे कि 10 का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और बेस का। तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी डी। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ए बी की वैल्यू एच है, अब बी डी की वैल्यू कितना है 20 है, ये हमारा हो जाता है मान लीजिए, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। अब आगे फिर ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब देखिए यहाँ पे फिर इसमें और इसमें रिलेशन निकालते हैं परपेंडिकुलर बेस का, तो फिर होगा 10 थीटा, अब 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा ए बी बाई बी सी, तो 10 थीटा इक्वल टू ए बी की वैल्यू एच, बी सी की 5, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान रखा, इसको उल्टा कर दें, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, ये हो जाएगा 5 बाई एच, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए दोनों कॉट की वैल्यू है, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, हमें क्या मिलेगा कि एच अपॉन 20 जो है 5 अपॉन एच के बराबर है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 5, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 10 = 100, यानी एच इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर, यानी कि जो टावर की हाइट है वो कितना है 10 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप फिगर देख लीजिए एक बार फिर से और इस सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग इज स्टैग फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ टावर एट ए 60 डिग्री देन फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टैग। कह रहा है कि एक टावर है, देखिए क्वेश्चन सबके पास होगा, बुक आपके पास होगा, मान लीजिए एक टावर है। ठीक, तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए है, यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है टावर का 120 मीटर है, तो कह रहा है कि द फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, तो जो इसके टॉप का एंगल बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री है। ठीक स्टूडेंट्स, आगे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टाफ, यानी इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, ऐसे मान लेते हैं इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, एट द टॉप ऑफ टावर ए 60 डिग्री, तो ये जो एंगल बना रहा है फ्लैग स्टाफ उसी पॉइंट से वो कितना बना रहा है 60 डिग्री, यानी ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल 60 डिग्री है। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टैग, तो हमें बताना है हाइट क्या होगा फ्लैग स्टैग की, ये हमारा फ्लैग स्टैग है, हम पहले ले लेते हैं ए बी, नहीं एक मिनट, ए तो दिया हुआ है ना, यहाँ बी ले लेते हैं सी और डी। ठीक, तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ बी डी सी है, कितना है एच मान लेते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी, हमें वही ट्रायंगल लेना है जो 90 डिग्री बनाएगा, इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं 3 ट्रायंगल है हमारे पास, एक ए बी सी है, एक ए सी डी है, ठीक, एक ए बी डी है, तो हम ए सी डी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 90 डिग्री कहीं नहीं है। ठीक ना, तो हम उसी ट्रायंगल को लेंगे जो 90 डिग्री कवर करेगा। ठीक, तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी को लेना, तो इसमें और इसमें किसका रिलेशन होगा 10 का होगा, यानी 10 45 इक्वल टू बी सी बाई ए बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 10 45 की वैल्यू 1, तो बी सी बाई ए बी, ए बी की कितना 120 है, तो बी सी की कितना आ जाएगा, बी सी का भी आ जाएगा 120।
ठीक। अब आगे चलिए देखिए, आगे है दूसरा, हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब इसको अगर हम लेंगे तो फिर इसमें और इस पूरे वाले में रिलेशन निकालेंगे तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, बी डी बाई ए बी मिलेगा। देखिए तो 10 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री, बी डी, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी अपॉन ए बी, ए बी की वैल्यू 120 है, यानी इधर आ जाएगा 120 अंडर रूट थ्री इक्वल टू बी सी, हमने क्या मान रखा है, बी सी नहीं, हाँ बी सी, बी सी की वैल्यू आई है 120 प्लस सी डी, सी डी की वैल्यू कितना है, ये अच्छा है ना। तो बस इसी को सॉल्व कर देंगे हमें पता चल जाएगा कि फ्लैग स्टैक की हाइट कितनी है, तो हम इसको इधर भेज देते हैं, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 अंडर रूट थ्री माइनस 120 हो जाएगा, इधर आएगा तो यहाँ से 120 कॉमन होगा तो रूट थ्री माइनस 1 होगा। अब देखिए क्वेश्चन में रूट थ्री की वैल्यू दिया गया 1.732 माइनस 1 हो जाएगा, यानी सबट्रैक्ट करेंगे तो 120 इंटू 0.732 आ जाएगा, आएगा स्टूडेंट्स, 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो 87.84 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे देख चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर द डेप्थ ऑफ टैंक। ये भी स्टूडेंट्स कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये मान लेते हैं टावर है, यानी यहाँ से कितना दूर, 40 मीटर दूर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टॉप ऑफ टावर कितना है, 30 डिग्री है, यानी इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। अब आगे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ टावर, यानी टावर के टॉप पे एक वाटर टैंक लगा हुआ है, ये जो एंगल बना रहा है उसी पॉइंट से, ये हमारा है 45 डिग्री, तो हमसे कह रहा है कि हाइट ऑफ टावर बताइए, इस टावर की हाइट बताइए, हमारा हाइट है टावर का, द डेप्थ ऑफ वाटर टैंक, डेप्थ ऑफ वाटर टैंक बताइए। सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक, मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है, डी है, हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है, बी सी पूछा जा रहा है, सी डी पूछा जा रहा है। ठीक, तो हम पहले ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें इसमें रिलेशन किसका होगा, 10 का, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू बी सी बाई ए बी, 10 30 की वैल्यू कितना होता है, 1 बाई रूट 3, बी सी की वैल्यू दिया गया है नहीं, बी सी हमसे पूछा जा रहा है, ए बी की वैल्यू 40 है, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40/√3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे चाहेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, रूट थ्री का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 40√3/3 हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप यहाँ चाहेंगे तो 40√3 की वैल्यू रखेंगे तो 1.732/3, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23.1 मीटर। फिर इसी का जो दूसरा क्वेश्चन था उसको आप सॉल्व कीजिए, कह रहा था कि डी सी निकालिए, फिर हम यूज करेंगे 10 45, यानी कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, देखिए ए बी डी है ना, ए बी डी, 10 45 इक्वल टू क्या होगा, बी डी बाई ए बी, तो हम लिखते हैं बी डी बाई ए डी, 10 45 की वैल्यू 1, बी डी की वैल्यू, बी डी की जगह हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, ए डी की वैल्यू 40 है, ए डी नहीं ए बी है, ठीक, यानी 40 इक्वल टू बी सी प्लस सी, बी सी, बी सी की वैल्यू यहाँ निकल के आया है ना, लिख देंगे हम 23.1 प्लस सी डी, यानी सी डी इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 23.1, सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 16.9 मीटर। ठीक, तो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ वाटर टैंक, डेप्थ ऑफ वाटर टैंक और हाइट ऑफ टावर दोनों निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए लिखा है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टैक ऑफ हाइट 6
मीटर एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टैग इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैग इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बुक होगा सबके पास, तो क्वेश्चन 7 लिखा है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन। एक हॉरिजेंटल प्लेन है, मान लेते हैं ये हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है, ठीक, इस पे एक वर्टिकल टावर है एंड इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टैग। इसी पे एक क्या है, फ्लैग स्टैग लगा हुआ है, ठीक, फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है जिसकी हाइट कितना है 6 मीटर है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पे ये मान लेते प्लेन है या हॉरिजेंटल लाइन, इस पे किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ फ्लैग स्टैग, तो बॉटम ऑफ फ्लैग स्टैग ये है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री है, ठीक, एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैग और फ्लैग स्टाफ जो है उसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है, ठीक। तो हमसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो टावर की हाइट निकाली यानी इसकी हाइट निकाली, तो मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, ये अच्छा है ये हाइट दिया हुआ है, तो ए बी सी डी। तो देखिए अब कैसे हम निकालेंगे इस हाइट को, तो इस चीज़ को, इस चीज़ देखें ए बी को, तो ए बी दोनों चीज़ में आ रहा है, ट्रायंगल ए बी डी में भी आ रहा है, ट्रायंगल ए बी सी में भी आ रहा है, तो इसीलिए हम परपेंडिकुलर और बेस वाले रिलेशन को कंसिडर करेंगे। मान लेते लिख लेंगे लेट हाइट ऑफ टावर बी एच, टावर का हाइट क्या है एच है, यानी बी सी इक्वल टू एच, ठीक। अब आगे देखिए क्या करेंगे, तो हम यूज़ करते हैं ट्रायंगल ए बी डी हम ले लेते हैं, तो जब हम ट्रायंगल ए बी डी लेंगे तो इन ट्रायंगल ए बी डी में हम 10 60 डिग्री है, ए बी डी में ये हमारा एंगल क्या 60 है टोटल ना, 10 60 इक्वल टू क्या होगा बी डी बाई ए बी, 10 60 की वैल्यू रूट थ्री, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी बाई ए बी, ठीक। तो रूट थ्री इक्वल टू बी सी की वैल्यू एच है, सी डी की वैल्यू क्या है 6 है, ए बी को ऐसे ही रहने देते हैं, तो ए बी की वैल्यू निकल के आएगी एच प्लस 6 अपॉन रूट थ्री, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम ए बी सी, यहाँ से हम यूज क्या करेंगे 10 30, देखिए फिगर में देखिए 10 30 इक्वल टू बी सी बाई ए बी, ठीक। तो 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी बाई ए बी, अब बी सी की वैल्यू क्या है एच है, ए बी 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो ए बी इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा ये रूट थ्री है, ए बी इक्वल टू कितना आएगा एच अंडर रूट थ्री, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन दोनों जगह से ए बी की वैल्यू निकली है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो हम लिखेंगे एच प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू एच अंडर रूट 3, ये लाइन आ जाएगा, यानी अंडर रूट 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एच प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3h हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 2h इक्वल टू कितना आएगा 6, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, h इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 मीटर, यानी जो टावर है उस टावर का हाइट कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको आया होगा समझ में। देखिए एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से सॉल्व किया है हमने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैच्यू 1.46 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब चबूतरा होता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। मतलब कह रहा है कि एक पेडेस्टल है, ऐसे मान लेते हैं ये पेडेस्टल है, अब इस पेडेस्टल के ऊपर जो है एक स्टैच्यू है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यहाँ मान लेते हैं इस पे ऊपर एक स्टैचू है, तो कह रहा है स्टैचू 1.46 मीटर, स्टैचू की हाइट कितना है 1.46 मीटर है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लेते हैं कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू कितना है 60 डिग्री है, यह हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ज्वाइन कर लेंगे आगे, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप ये है, कह रहा है यहाँ से जो पेडिस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री, तो बताइए हाइट ऑफ पेडिस्टल क्या होगा, यानी ये हाइट पूछा जा रहा है,
ठीक। तो आई होप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप खुद से लगा लेंगे, जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। इसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए आप अगर फिगर बना लेते हैं आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। नाम दे दीजिएगा ए बी सी और डी, हमसे एक बार फिर से बी सी पूछा जा रहा है, आई होप आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चलिए 9 नंबर देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री, हाउ मच हायर मस्ट बी द टावर टू बी रेज सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एट द सेम पॉइंट बी 60 डिग्री। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अनफिनिश्ड टावर, एक अनफिनिश्ड टावर है, ठीक। तो कह रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, यानी बेस से 75 मीटर की दूरी पे इस 30 डिग्री, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री। टावर जो है अनफिनिश्ड है। आगे कह रहा हाउ मच हाइयर मस्ट बी द टावर, कितना टावर को और बढ़ा दें कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाए, यानी मान लेते हैं हमने टावर को इतना और ऊपर बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए, ठीक। नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, टावर इतना बड़ा था तो एंगल कितना हो रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो कह रहा है कि हम टावर को कितना और बढ़ा दें कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना और बढ़ा दिया जाए ये निकालते हैं। तो मान लेते हैं डी सी, डी सी जो है ये हाइट है, इतना हम और बढ़ा देते हैं, ठीक। अब देखिए हमें इसमें तो 10 का ही रिलेशन लगेगा क्योंकि हमसे ये पूछा जा रहा है, ये दिया गया है। तो मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर बी रेज्ड डी सी या सी डी इक्वल टू एच, ठीक। तो हम यूज करते हैं कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, पहले इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं। कोई भी ट्रायंगल आगे पीछे लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कौन सा ट्रायंगल पहले ले रहे हैं कौन सा ट्रायंगल बाद में ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो देखिए 10 30 डिग्री होगा, इस ट्रायंगल में एंगल कितना 30, 10 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा बी सी बाई ए बी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बी सी की वैल्यू नहीं पता, ए बी की तो पता है ना 75, 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो बी सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 75/√, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए बी सी की वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा था, 10 30 इक्वल टू बी सी बाई ए सी, तो 10 30 की वैल्यू 1/√3, बी सी बाई 75, तो बी सी इक्वल टू कितना एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बी सी इक्वल टू 75/√3 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट ये यहीं छोड़ देते हैं, अब अगला ट्रायंगल जो था ये हमारा ए बी डी ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, जब इस ट्रायंगल में हम लेंगे तो यहाँ पे देखिए एंगल क्या है 60 डिग्री है टोटल, तो ये बी डी बाई ए बी होगा, यानी 10 60 लेंगे, 10 60 डिग्री इक्वल टू लेंगे तो क्या होगा बी डी बाई ए बी, 10 60 की वैल्यू कितना होता है √3, बी डी की वैल्यू बी डी की जगह हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी अपॉन ए बी, ए बी की जगह 75। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बी सी की वैल्यू हमारा कितना है 75/√3 प्लस सी डी अपॉन 75/√3 इक्वल टू इतना आ जाएगा हमें सी डी हमसे पूछा जा रहा था। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए √3 इक्वल टू यहाँ पे आप देखेंगे √3 LCM होगा, तो कितना होगा 75 प्लस √3 CD अपॉन 75 √3, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 75 √3 हो जाएगा 75 प्लस √3 CD। तो सॉल्व करेंगे तो 75 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद उसमें से 75 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए कितना आता है, इसको इधर ट्रांसफ़र करके सॉल्व करेंगे आएगा 150 इक्वल टू √3 CD। सी डी की वैल्यू हमने क्या रखा है एच रखा है, तो हम एच लिख लेते हैं, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 अपॉन √3, चाहे तो यहाँ रेशनलाइजेशन कर लेंगे √3 का ऊपर और नीचे, तो हो जाएगा 150 √3 अपॉन 3, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 5 15 50 √3। अब सबको पता है कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो इसको सॉल्व करेंगे 0 5 2 10 को 0 कैरी 1 5 3 15 1 16, 7 5 35 36, 5 5 6 7 8, यानी 1 2 3 1 2 3, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 86.3
सिक्स मीटर। आया स्टूडेंट समझ में? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन देयर इज वर्टिकल टावर विथ ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर एट ए पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल आर 60 एंड 30 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट। सेम क्वेश्चन अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराया था, सेम वही क्वेश्चन है। फिगर बता देते हैं हम आपको, सॉल्व आप खुद से करेंगे। देखिए क्या लिखा है, ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन देयर इज ए वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर है विथ ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ टावर, टावर पे जो एक फ्लैग पोल है ठीक, एट ए पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर फुट ऑफ टावर यही होगा, इससे कह रहे हैं 9 मीटर की दूरी पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग पोल, फ्लैग पोल ये है इसके टॉप और बॉटम पे, पहले क्या लिखा टॉप लिखा है तो टॉप फिर उसके बाद बॉटम, तो टॉप पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है और जो बॉटम एंगल है वो 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर ये है, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर बी सी है और जो फ्लैग पोल है यानी फ्लैग पोल, हाइट ऑफ फ्लैग पोल वो क्या है, सी डी है। तो हमसे कह रहा है बी सी और सी डी की वैल्यू बताइए जब रूट थ्री इक्वल टू 1.73 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में अगर रूट थ्री इक्वल टू 1.73 दिया तो हम 1.73 रखेंगे, अगर 1.732 दिया तो 1.732 रखेंगे ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम आगे वाले लेक्चर में अब आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, इस तरह ही हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।